बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान करके अब लोकसभा चुनावों के लिए अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं उनका निशाना उन नई पार्टियों पर भी है जो कि पहली बार लोकसभा चुनावों का सामना कर रही हैं। शिवपाल के अलावा राजा भैया ने भी जनसत्ता दल बनाया है, जिसके भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं होनी भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं इसी बीच प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से आकलन सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजा भैया की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल इस सीट पर बसपा हमेशा ही दो नंबर का दल बनकर उभरा है, तो ऐसे में अगर इस बार बीएसपी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो राजा भैया के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर अपना दल ऐसे बसपा सपा हाथ मिलाते हैं तो फिर कुंडा विधायक राजा भैया के लिए आसान नहीं होगा इस सीट को जीत पाना। तो वहीं बतौर पार्टी मुखिया राजा भैया को अपनी बाहुबली वाली छवि से बाहर आना होगा, नहीं तो इसका सीधा फायदा बसपा समेत बाकी दलों को भी मिल सकता है। और वैसे भी जिस तरह बसपा सपा के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रदर्शन किया है, वो भी राजा भैया को प्रतापगढ़ सीट पर कमजोर कर सकता है। देखा जाए तो राजा भैया की ये अग्नि परीक्षा है कि क्या वाकई कुंडा से बाहर उनका अस्तित्व है या फिर नहीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी तो पहले से ही चुनाव लड़ती आ रही है, यानी कि बसपा से ज्यादा राजा भैया के सितारे गर्दिश में आ सकते हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।